जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है महामारी किस तरह से त्राही माम जा रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिंदगी अनमोल है आपके अपनों के लिए और आपके लिए भी, तो घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, मास्क पहन के रहे, और घर से कहीं जरूरी काम के लिए निकलना, कोई खाने पीने की वस्तु लेने, तभी एक आधा स्तर से ही घर से बाहर निकले। आप अपने परिवार और अपने लिए खुद सेफ्टी बरत सकते हैं। तो बात करते हैं आज के मुद्दे की। काफी टाइम बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, काफी बिजी था। तो मॉब लिंचिंग, दोस्तों मॉब लिंचिंग मतलब आपको इसका मीनिंग पता है क्या है? मॉब लिंचिंग जब भीड़ के हत्या कोई बंदा चढ़ता है उसको खत्म कर देते हैं, तो वही मॉब लिंचिंग हमारे उत्तराखंड में हुई एक 19 साल के बच्चे के साथ। देखिए, ये चीजें बस इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। जो अब फोन चीज आज फोन जो चला है ना, ये मोबाइल फोन, इसने दुनिया को यहाँ से वहां कर दिया है। आज का हर कोई फोन पे लगा हुआ, जो भी घंटे को थोड़ा सा फील में, बस में, ट्रेन में, जहाँ कहीं देखो फोन में, तो पता नहीं वहां किसके पास कैसे वो नंबर आ गया, उस पर लड़की से बातचीत। ये कैसा ट्रेंड है यार, फेसबुक से मैसेज छेड़ दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, कहीं से नंबर मिल गया, फोन कर लिया, तो इस पे कैसी उनकी गुथम गुथा चली हुई थी वो कोई पता नहीं है। और लड़की ने जब मिलने बुलाया तो चला गया दोस्त, हीरो बन के, जो हमारी जवानी में हीरो बन के चला गया। और जब देख लिया गांव वालों ने, तो लड़की ने क्या जान लगाया यार। मॉब लिंचिंग, मैं नहीं बोलता कि एक साइड दोनों पक्ष राय लेनी चाहिए इसमें। देखिए किस तरह से उस लड़के को मारा गया, हालांकि लड़की वालों को कुछ नहीं पूछा, जो लड़की थी उसको कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया बेचारे को, अपनी जिंदगी गुहार लगा रहा है, मुंह नाक मुंह से खून चला हुआ है। भीड़ देखी आपने, मॉब लिंचिंग चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, सभी के साथ बराबर न्याय होना चाहिए। उस लड़के को किस तरह से पीटा गया, अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा है, उनकी अपना सब कुछ बता रहा है कि नहीं, आप उस लड़की को कुछ रिकॉर्डिंग नहीं, सब कुछ आपने वीडियो देखी होगी। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस है कि उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, लड़की का पक्ष कुछ रखा नहीं गया है। जिस तरह से वीडियो भीड़ बना रही है वहां पे, लड़की की गलती हो सकती है, हो सकता है अगर उस लड़के की भी गलती है तो प्रशासन बैठा हुआ है, भीड़ कौन सी न्याय करने वाली है? अगर न्याय करना दोनों पक्षों को साथ बिठाया जाए ना, लड़की को बिठाया जाए, लड़के को बिठाया जाए, वो तो बेचारा लड़के को उठाया गया है, वो उससे पूछ रहे हैं, दांत मुंह से खून निकल रहा है यार, दिल दहला देने वाली ऐसी हरकत, ये क्या है यार, ऐसी चीजें बहुत दुख की बात है। उस छोटे से लड़के वो बोलता है कि मेरी माँ ने यार थोड़ा सा दर्श करना चाहिए था, अगर आपको उसके साथ कुछ करना ही था तो सरकार बैठी हुई है, पुलिस पर थाने में रिपोर्ट करते, बट नहीं, ये बहुत गलत बात है यार। उस लड़के के साथ मैं ये चाहूंगा उत्तराखंड सरकार जो भी है और प्रशासन जो उन दरिंदों के साथ जो भी भीड़ जितनी जिसने उसको मारा है, उस लड़के उनको साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा शिकार ना हो। उस लड़की को भी, जिस लड़की ने ऐसी हरकत की है, उस लड़के को बुला के बहला फुसला के, कई प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह पता नहीं उसका कोई मकसद होगा, वो खुद बता रहा है कि मैं जॉब करता हूँ जयपुर में, ये वो ऐसा, लड़की उस पर्पस होगा। मैं नहीं बोलता कि लड़की सही है लड़का सही है, बट दोनों को राय देनी चाहिए ना, उस लड़के को किस तरह से मार रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है यार, एक लड़की के ऊपर न्याय होता है हम सब आवाज उठाते हैं, बट एक लड़के के ऊपर अन्याय होता है। अब ये इस चीज का खुलासा तभी होगा जब पूरी कार्रवाई होगी। बट इस चार पांच बंदों को पकड़ लिया, बट वो उन्हीं के साथ जितनी भी वो भीड़ है सभी ने उसको मारा है, उनको पकड़ के और उस लड़की को भी वहां पे बिठा के, ताकि उस बेचारे बाप को, देखिए एक छोटा बच्चा था, वो उस बाप को न्याय मिल सके और कोई ऐसा शिकार दोबारा ना हो। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस लड़के के साथ भुवन चंद्र जोशी जो है जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और इसके लिए आप आवाज उठाएं। जैसे कि हम लड़की के लिए आवाज उठाते हैं, किसी साथ रेप होता है या मॉब लिंचिंग या मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, तो यही सेम आवाज हमने इसके लिए उठानी है, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा कोई और केस ना मिले। तो दोस्तों, यही रिक्वेस्ट थी आपसे, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इसकी इसको न्याय मिलना चाहिए, भुवन चंद्र जोशी जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरी बात, घर में रहे सेफ।